पांचवा सवाल है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल है, हल करते हैं। माना भिन्न भिन्न है, भिन्न बराबर x/y, इसमें x जो है अंश होगा, x जो है अंश होगा, और ये y जो है इसको हर कहते हैं। भिन्न होता है x/y, इसको भिन्न कहते हैं, ऊपर जो रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको हर कहते हैं। तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त अंश में और हर में दो जोड़ना है। x+2 अंश में दो जोड़ दिए, x+y हर में दो जोड़ दिए, y+2। देखो अंश में दो जोड़ दिए और हर में भी दो जोड़ दिए, तो ये 9/11 हो जाता है। 9/11 हो गया, 9/11 हो गया, 9/11 हो गया। आगे 9/11 हो गया, इसे हमें तिर्यक गुणा करना है। 11 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 9 का गुणा इधर पे हो जाएगा, तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, 11 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 11x हो जाएगा, धन है तो यहाँ पे धन कर देंगे। 11 का 2 से गुणा होगा तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वैसे ही 9 का y से गुणा होगा तो 9y हो जाएगा, और 9 का 2 से गुणा होगा तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11x है तो 11x जैसा का वैसा 9 को इधर पक्षांतर करो तो ये माइनस में हो जाएगा, इस बार आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 का वाई हो जाएगा बराबर 18, जहाँ का वहाँ रखिए, 22 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस का 9y होगा अब 18, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया है, अंश है और ये हर है, अंश में भी दो जोड़ दिया और हर में भी जोड़ दिए, 9/11 हो गया। इसको हल करने पर पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब है द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कहता है, 3 जोड़ना है, x+3 और y+3। हमने अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ भी त्रिया गुणा करना है, 6 का x हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और बराबर 5 का y होगा तो 5y हो जाएगा, 5 का 3 से गुणा होगा तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। वैसे पक्षांतर कर लो, ये 6x है उसको इस बार लेके आओगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, बराबर 15 जहाँ का वहाँ, उसके बाद 18 को उस बार ले जाओगे तो माइनस का 18 होगा। ये 6x है, ये माइनस 5y, उधर घटा दीजिए, यहाँ पे 18 में से 15 घटाओगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया है, अब है समीकरण नंबर 2 से, ये 6x है ना, इसको पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 5y हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो,
तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्स है, इसको पक्षांतर करके नीचे ले जाएंगे, ये बराबर है -3 + 5y और बटे में हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। समीकरण नंबर 3, इस प्रकार समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में एक्स का मान रखते हैं। समीकरण 1 है 11x - 9y - -4 है। अब एक्स का मान रख देते हैं, 11 जैसा का वैसा एक्स का मान वो है समीकरण नंबर तीन से रखेंगे तो -3 और 5y और बटे हो जाएगा 6 और ये वाला माइनस और ये 9, तो वाई 9y बराबर -4 हो जाएगा, -4 होगा। इसको हल कर लेंगे भैया, इसको हल कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बटे 1 हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम 6 कम 6 लघुत्तम होगा, 6 6 कम 6 तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 × -3 + 5y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 कितना बार, 6 बार भाग जाएगा, 1 का 6 बार भाग जाएगा, 6 का 9 से गुणा होगा तो हो जाएगा 54y हो जाएगा और बराबर -4 होगा, बराबर -4 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिया गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इससे हो जाएगा, 6 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो ये 11 3 33 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 55y होगा और -54 54y है, 54y हो जाएगा और ये 6 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ये 55y में से 54y घटाओगे तो 1y बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा -33 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा y बराबर ये -24 हो गया। अब पक्षांतर कर लेंगे, y बराबर इसको -24 उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 33, और इधर मिटा देते हैं। आगे y का मान आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 33 में से 24 घटाएंगे, 33 में से 24 घटा देंगे तो y का मान निकल के आएगा y बराबर 9, y बराबर 9 निकल के आ जाएगा, y का मान 9 निकल के आ जाएगा, y का मान 9 आएगा, y का मान 9 हो गया, y का मान 9 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे x = -3 और प्लस हो जाएगा 5 × 9, वाई का मान रख दिया मैंने और बटे 6, तो एक्स बराबर हो जाएगा -3 + 9 = 45 होगा और बटे 6 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। एक्स बराबर घटा देंगे तो घटाएंगे 45 में से 3 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, ये बटे 6 6 7 42 हो जाएगा, तो x का मान 7 निकल के आएगा, x का मान 7 निकल के आएगा, तो भिन्न हो गया, भिन्न x/y बराबर x का मान 7 आ गया और y का मान 9, अतः वह भिन्न 7/9 होगा, अतः वह भिन्न 7/9 होगा, अतः वह भिन्न 7/9